एवरीवन वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लामी में BTTM यानी बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट और बीवॉक फूड प्रोडक्शन में जो भी स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, फाइनली ये जो लिस्ट है वो सेलेक्टेड लिस्ट है। बट इसमें इंपॉर्टेंट ये कि इन स्टूडेंट्स का जो नाम आया है इसमें इनका इंटरव्यू होना। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी आ रहा था कि किस तरीके से क्या होगा, हम थोड़ा एक इन शॉर्ट में बताते हैं। देखिए अगर आप इनके सिलेबस देखोगे तो आपको ये पता होगा कि इंटरव्यू जो है कितने मार्क्स का है, लेकिन इन सब में ये आप मैटर करेगा इंटरव्यू बहुत हद तक, मतलब सेलेक्टेड लिस्ट में तो आपका नाम आ चुका है लेकिन आपको इंटरव्यू फाइट करना है और इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद ही। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ इंटरव्यू की वजह से ही आपका सेलेक्शन, ऐसा नहीं, आपको इंटरव्यू भी देखा जाएगा मार्क्स और इंटरव्यू में भी आपको देखा जाएगा और बाकी जो आपका एंट्रेंस में जो क्वालिफाई किए जो आपके मार्क्स है वो भी देखा जाएगा और दोनों के बिहाफ में आपका सिलेक्शन होगा ये इस लिस्ट में। अब अगर आप देखेंगे इसमें समझने वाली बात यह है कि आपको तीन डेट मिला है, यानी 11 अगस्त, 12 एंड 13, इन तीनों डेट के हिसाब से आपको रिपोर्टिंग करना है। और ये रिपोर्टिंग कहाँ करेंगे, आपको ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन रिपोर्टिंग करना है, मतलब ऑफलाइन आपको जामे जाना है। और कितने स्टूडेंट्स को, जैसे सीरियल नंबर फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट से लेके 186 तक जो है 11 तारीख को बुलाया गया है, वही 12 अगस्त को 187 से 372, टाइमिंग देख सकते हैं 9 AM पे सबको रिपोर्टिंग करना है। और 13 अगस्त को देख सकते हैं 372 से अबव जो स्टूडेंट्स है वो। तो अब ये है कि इनमें ये भी कहा गया कि जो भी स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए पहुंचेंगे, करे कैंडिडेट कॉल फॉर इंटरव्यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। देखिए यहाँ पे कैंडिडेट कॉल फॉर इंटरव्यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एंड सेट ऑफ टेस्टेड कॉपी ऑफ द सेम फॉर द सबमिशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन। मतलब ये कि आप जो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे, जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताया जा रहा है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल के साथ साथ जीरोक्स भी लेकर जाना होगा। सबका जीरोक्स कॉपी करा लीजिएगा और सबका ओरिजिनल भी लेकर जाएंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक, अब इसके बाद जो है यहाँ पे वो स्टूडेंट्स है जो सेलेक्टेड है, मतलब टोटल 24 पेजेस का है, लेकिन स्टूडेंट्स जो है टोटल लगभग 500 के आसपास मुझे दिख रहा है। बाकी है कि सीट्स भी उसी हिसाब से ही है, मतलब टोटल एटलीस्ट जो है मेरे ख्याल से अगर 60 के आसपास होगा तो 180 के आसपास तो सीट्स हो गई। और टोटल बच्चे का नाम कितना है इसमें, तो टोटल बच्चे का नाम है 560, मतलब 560 में जो है एटलीस्ट 180 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होंगे और बाकी सब साइड होंगे। या एक बार थोड़ा सीट्स वाला देख लीजिएगा, लेकिन ये कि वो स्टूडेंट्स जिनका इंटरव्यू होना है। बाकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट कर दिया करें, उससे रिलेटेड वीडियोज़ आ जाएंगे या फिर आपको सोल्यूशन जरूर मिल जाएंगे। थैंक यू।